वरहमतुल्लाह, आप देख रहे हैं हमारा चैनल इन्फॉर्मेटिव ब्लॉग्स बाय उमर। आज आपके लिए जो प्रोडक्ट लेकर आया है सबसे ज़्यादा चलने वाला, इस वक्त सबसे ट्रेंडिंग में जो प्रोडक्ट है, सबसे ट्रेंडिंग वाला आइटम ओरिएंट फ्यूजन, जो इस वक्त सबसे ऊपर बाजी लेके जा चुका है, जिसने लिथियम बैटरी बिल्टन बैटरी में AC DC इन्वर्टर फैन बना दिया। AC DC इन्वर्टर 30 वाट लिथियम बैटरी में फ़ैन बना दिया है। आज आपको इसकी कंप्लीट डिटेल बताएंगे फैन की अनबॉक्सिंग कर, इसकी वारंटी वगैरह कितनी है, इसके प्राइस क्या है, इसकी बैटरी टाइमिंग क्या है, इसका बैटरी बैकअप क्या है, इसको आपने किस तरह से यूज़ करना है और किस जगह लगाना है, किस तरह लगाना है, सारी डिटेल आज की वीडियो में इंशाल्लाह आपको हम आज की बताएंगे। रिमोट कंट्रोल होता है ये, कितना पायदार है ये, इसका डिज़ाइन है आप देख सकते हैं, बहुत खूबसूरत स्टाइल में बना हुआ है। अंदर बैटरी बिल्टन है, AC DC भी चलेगा, ये AC DC भी है, 30 वाट भी है ये। वारंटी की जहाँ तक बात की जाए तो कंपनी इसकी 6+6 वारंटी दे रही है, 6 साल कार्ड वारंटी है, 6 साल मोटर वारंटी है, और जो बैटरी बिल्टर है बैटरी भी वारंटी में है इसकी, बैटरी में 6 माह की वारंटी लिथियम बैटरी दी हुई है। अच्छा, लिथियम बैटरी के वो भी मैं आपको आगे चलकर बताता हूँ, और इसकी सर्किट वगैरह की क्वालिटी, इसका RPM, इसकी स्पीड, हर चीज़ में आपको दिखाता हूँ, और इसके प्राइस भी आपको गाइड करता हूँ। बहुत ही स्मार्ट स्टाइल की बैटरी लगी हुई है इसके अंदर, लिथियम बैटरी। लिथियम बैटरी वो बैटरी है जो ड्राई बैटरी नहीं है, जो पानी वाली बैटरी नहीं है, लिथियम बैटरी नहीं होता है, जो हमारे मोबाइल फोन्स में यूज़ की जाती है। इसका बैकअप बहुत अच्छा होता है, लाइफ बहुत अच्छी होती है, और इसको इस्तेमाल करने का तरीका अगर आपका सही होगा तो ये बैटरी इंशाल्लाह आपकी 6 महीने की तो कंपनी गारंटी दे रही है, 6 साल तक भी कहीं नहीं जाएगी। तो इस्तेमाल किस तरह करना है वो मैं आगे चलकर आपको बताता हूँ। सबसे पहले इसके आप सर्किट देख लें, सर्किट इसके बहुत आउट क्लास बने हुए हैं, कैपेसिटर बहुत हैवी ड्यूटी के लगे हुए, और इसके जो पोल्स वगैरह है वो भी बड़े जानदार लगे हुए हैं। देखिए दोनों सर्किट इसके जानदार लगे हुए हैं, DC सर्किट भी और AC सर्किट भी, डबल सर्किट है, कैपेसिटर इतने हैवी ड्यूटी लगे हुए, जो आम AC DC फैन के सर्किट है में जो कैपेसिटर लगे हुए होते हैं उसके मुकाबले में काफ़ी हैवी ड्यूटी सर्किट है इसके अंदर। और जो कैपेसिटर है, जो आम कैपेसिटर होते हैं आम AC DC फैन के मुकाबले में, उससे हैवी ड्यूटी कैपेसिटर लगे हुए, जिसकी वजह से कंपनी आपको 6 साल कार्ड की भी वारंटी दे रही है, क्योंकि ये कैपेसिटर आम पंखों के जो AC DC कैपेसिटर होता है वो हीट की वजह से फूल जाते हैं और फट जाते हैं और ख़राब हो जाते हैं जल्दी, जबकि इस पंखे की सर्किट की जो कैपेसिटर की लाइफ है वो आम कैपेसिटर के मुकाबले में ज़्यादा होगी। और ये RPM जो आपको देगा वो तकरीबन 360 से 375 RPM दे रहा है माशाल्लाह से, और गारंटी भी इसकी अच्छी है, होता है प्योर कॉपर वाइंडिंग में इलेक्ट्रिक शीट में बना हुआ है, 2024 का मॉडल है। इसकी मैं आपको थोड़ा स्पीड भी दिखा देता हूँ, सबसे पहले मैं आपको इसका बैटरी पे स्पीड दिखा देता हूँ, उसके बाद इसके यूज़ करने की भी बात करेंगे कि आपने इसको किस तरह से यूज़ करना है, इसके रिमोट आपने किस तरह से पैर करना है, सब चीज़ें मैं आपको वक्तन फवक्तन गाइड कर देता हूँ। LCD में इसमें डिस्प्ले आ रहा है। अच्छा, अब ये फ़ैन जो है जो वायर लगेगी, देखिए यहाँ पे ये बैटरी की वायर लगी, पंखे ने पीप कर दिया, ये वाईफाई के बटन को हमने दबा के रखा डबल पीप पे, ये पंखा हमारा ऑन हो गया। ये देखें आप, ये स्पीड इसकी इंक्रीज हो रही है, ये टर्बो पे चले गए हम फुल हाई पे, बहुत ही बेहतरीन RPM है, ये देखें माशाल्लाह से बहुत बेहतरीन RPM है, आप मेरे हाथ में देख सकते हैं, बहुत ही आउट क्लास RPM है इसका। ये भी अपनी बिल्टन बैटरी जो उसमें चल रहा है, ये हमने इसको ऑफ कर दिया यहाँ से, रिमोट पेयरिंग इसकी वाईफाई से होगी। अब ये जो AC पे चलेगा, AC पे भी मैं आपको ज़रा चला कर दिखाता हूँ, AC पे भी इसका RPM अच्छा होगा, DC पे भी RPM इसका बहुत आउट क्लास होगा।
सबसे पहले मैं आपको एसी पे इसका आरपीएम चेक कराता हूँ। ये देखिए लगाओ बेटा, इनमें कुछ चीज़ों की एहतियात जो आपको करनी है वो मैं आपको बताता हूँ आगे चलकर। ये देखिए ये कनेक्ट हो गया, ये देखिए ये एसी पे चल रहा है अभी इलेक्ट्रिक 220 पे, आरपीएम आप देख सकते हैं आम फैन से ज़्यादा आरपीएम है, आम जो पंखा है उससे ज़्यादा आरपीएम है। अच्छा डीसी पे भी इसका आरपीएम सेम होगा जो आरपीएम आपको एसी पे मिलेगा, बैटरी पे भी वही स्पीड मिलेगी जो आपको इलेक्ट्रिक पे मिलेगी। जरा डिस्कनेक्ट करो, अभी ये देखें बैटरी पे चला गया, जैसे ही लाइट गई हमारी डिस्कनेक्ट हुआ ये बैटरी पे चला गया। अब हमने इसको यहाँ से ऑफ कर दिया, ये फैन हमारा ऑफ हो गया। ये आपका स्टैंड बाय बैटरी सेटअप देगा, जैसे ही आपका जो है डिस्कनेक्ट होगा के इलेक्ट्रिक ये 220 डायरेक्ट जो है ये बैटरी पे चला जाएगा फ़ैन हमारा, और जो है बैटरी पे चलने लग जाएगा। इसके अलावा डीसी पे अगर आप सोलर पे या बैटरी पे अपनी अलग बैटरी पे चलाना चाह रहे हैं तो ये देखेंगे इसकी वायरिंग दी हुई है, ये वायर आपकी 12 वोल्ट की डीसी वायर है। कोशिश करें कनेक्शन का बहुत एहतियात करें क्योंकि कंपनी ने जो है अपने कार्ट में मेंशन कर दिया है कि अगर गलत कनेक्शन करेंगे तो कंपनी किसी सूरत गारंटी नहीं देगी, गलत कनेक्शन पे कंपनी गारंटी क्लेम नहीं करेगी, कंपनी ने इसे मेंशन कर दिया है। तो इन चीज़ों का आपने बहुत एहतियात करना है इस पंखे के अंदर। फिर ये लिथियम बैटरी होती है इसकी लाइफ बहुत ज़्यादा है, इसका तरीकाकार आपने इस तरह से यूज़ करना है कि देखें अभी गर्मी है लोड शेडिंग हो रही है फैन का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, आप इसको चला रहे हैं बैटरी पे भी यूज़ हो रहा है इलेक्ट्रिक पे भी यूज़ हो रहा है। बैटरी कब ख़राब होती है, जब बैटरी रनिंग से जाती है, जब बैटरी इस्तेमाल कम होती है, जब बैटरी का इस्तेमाल ख़त्म हो जाता है। आपकी नॉर्मल बैटरी हो डीसी फैन की या आपकी जो है ये इस पंखे की बैटरी है या कोई भी बैटरी है, लिथियम बैटरी की लाइफ आम बैटरी के मुकाबले में ज़्यादा होती है, इसलिए कंपनी ने इसके अंदर इसको इंस्टॉल किया है। अब इसका आपने इस्तेमाल का तरीकाकार इस तरह से रखना है कि जैसे अब सर्दियाँ आ गई, अब कस्टमर जो है वो पंखे इलेक्ट्रिक पे चलाते रहते हैं, जब लाइट जाती है तो ज़रूरत नहीं होती, वो ऑफ़ कर दिया पंखे को। अब कोशिश करें कि आप बैटरी को रनिंग में रखें, यूज़ में रखें। अगर आपकी लोड शेडिंग नहीं भी हो रही और आपने लिथियम बैटरी वाला फ़ैन लिया हुआ है तो आप इस बैटरी को रनिंग में रखें, उससे ये बेनिफिट होगा आपको कि आपका जो फ़ैन है वो आपको बैटरी जो है वो आपकी लाइफ ज़्यादा देगी। अब मेरे घर पर बैटरी लगी हुई 2 से 2.5 साल हो गए, उसके बैकअप आज भी वही है और वही स्पीड आज भी दे रही है। तो आपने इन चीज़ों का एहतियात, लिथियम बैटरी के अंदर आपने इस चीज़ का बहुत एहतियात कि आप इसको जब इंस्टॉल करें पानी वाली जगह कोई ना हो। और दूसरी बात ये इसका ख्याल करना है आपने कि जब आपका फ़ैन यूज़ नहीं हो रहा तो भी आपने इसको थोड़ा बहुत बैटरी को यूज़ में रखना है। लोड शेडिंग नहीं हो रही, इनकेस आपकी लोड शेडिंग ख़त्म हो गई, मौसम बेहतर हो जाता है, लोड शेडिंग ख़त्म हो जाती है, फिर भी आपने इसको यूज़ में रखना है ताकि अगली गर्मियों में भी अगले सीज़न में भी आप इस पंखे को यूज़ कर सकें, इस्तेमाल कर सकें, चला सकें। और बहुत अच्छा रिजल्ट है, मैंने जिस हिसाब से हाथ में पकड़ कर चलाया है तो जिस हिसाब से झटके मार रहा है, जिस हिसाब से ये अपना आरपीएम दे रहा है, जो आरपीएम शो कर रहा है उस हिसाब से बहुत अच्छा आरपीएम दे रहा है और बहुत अच्छी क्वालिटी बनाई है। अच्छा अक्सर लोगों ने मेरे से पूछते हैं लोग कि भाई अगर उमर भाई हम डीसी पे फैन कनेक्ट किया हुआ है, डीसी की वायर आपने बैटरी से सोलर तक कनेक्ट की हुई है, एयर एसी की भी कनेक्ट की हुई है, तो भाई देखें जब आपका के इलेक्ट्रिक आपको मिल रहा होगा तो आपका पंखा के इलेक्ट्रिक 220 पे चलेगा, लाइट चले गई या आपने बटन ऑन ऑफ कर दिया या आपने अपना ब्रेकर गिरा दिया तो आपका के इलेक्ट्रिक ऑफ हो जाएगा ऑटोमेटिक, आपको कनेक्शन डिसकनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं, ऑटोमेटिक आपका फ़ैन जो है डीसी पे चला जाएगा 12 वोल्ट पे, कोई भी एसी डीसी फैन हो। और इस पंखे में भी ऑटोमेटिक ये फ़ैन जो है हमारा वो डीसी पे चला जाएगा और जो है डिस्कनेक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं। हाँ जैसे आप के इलेक्ट्रिक ऑन करेंगे या के इलेक्ट्रिक प्लग इन करेंगे इसके अंदर ऑटोमेटिक आपका फैन जो है 220 पे चला जाएगा, उसमें आपको कोई नुकसान नहीं है। स्टैंड बाय होता है जैसा जनरेटर स्टैंड बाय होता है, यूपीएस स्टैंड बाय होता है, इस तरह इन पंखों में स्टैंड बाय सिस्टम दिया हुआ है। बाकी लिथियम बैटरी में ओरियन कंपनी बात ही ले गया, बहुत अच्छी क्वालिटी बना दी, बहुत अच्छा आरपीएम है, बहुत अच्छी मोटर है, मोटर भी जानदार है, भारी मोटर है, आरपीएम भी आप देख सकते हैं, मोटर जानदार क्वालिटी में बनी हुई है, डिज़ाइन भी बहुत खूबसूरत है,
और जब ये घर में लगा हुआ होगा फ़ैन आपका, ये देखिए आप, बहुत खूबसूरत लगेगा और बहुत अच्छे अंदाज में लगेगा, ये लुक इसका बहुत आउट क्लास है, आप देख सकते हैं। और रिमोट भी इसका बहुत बेहतरीन और ख़ूबसूरत रिमोट है। उम्मीद है आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है, हमारी वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे कोई ऐसे नए प्रोडक्ट के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।